हाथ में भी सुराख, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। भारत देश, जहां पर करोड़ों लोग रहते हैं और उन करोड़ों लोगों की आंखों में होते हैं अरबों सपने। क्या होते हैं ये सपने? किसी का सपना होता है कि वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे, किसी का सपना होता है कि वो अपनी कमाई से अपने माँ बाप को एक घर खरीद के दे, और किसी का होता है छोटा सा सपना अपनी एक स्कूटी खरीदने का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुगन शर्मा और स्वागत है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है आइकन्स ऑफ भारत, योग्य भारत, सफल भारत। दर्शकों, आइकन्स ऑफ भारत एक ऐसा टेलीविजन शो है जो फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी इंडिया के जरिए आपको उन महान लोगों से मिलवाएगा जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत की शक्ल दी है। इन लोगों ने अपने कौशल को लघु उद्योग में बदलकर बहुत सारे और लोगों को आजीविका प्रदान की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और चुनौतियों का जमकर सामना किया है। दर्शकों, आइकन्स ऑफ भारत की कहानियां सुनकर आप जानेंगे कि कैसे आप भी अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी कि अगर आप भी अपनी संघर्ष और कामयाबी की कहानी दुनिया को सुनाना चाहते हैं, तो अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें और बन जाएं हिस्सा हमारे शो का। आज इस शो के पहले एपिसोड में आप मिलेंगे कुछ आइकन्स ऑफ भारत से। हर एक एपिसोड में इनकी प्रेरणा भरी कहानियां हम जानेंगे और एक श्रेष्ठ आइकन को चुनेंगे। फिर हर एक आने वाले एपिसोड में चुने गए श्रेष्ठ आइकन्स में से हम चुनेंगे एक सर्वश्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ आइकन चुनने में हमारी जूरी हमारी मदद करेगी। आनंद कुमार जी, सुपर 30 प्रोग्राम था इनका जिससे प्रेरित होकर फिल्म सुपर 30 भी बनी। स्वागत है आपका आनंद कुमार जी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। हमें प्लीज बताइए कि आपको यहाँ पर हमारे आइकन्स ऑफ भारत शो पर आकर कैसा लग रहा है? नमस्कार दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस आइकन ऑफ भारत प्रोग्राम और सुपर 30 में कोई फर्क ही पता नहीं चल रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज से 20 साल पहले जब सुपर 30 की शुरुआत की थी, तो हमारे पास ऐसे बच्चे आए थे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन कुछ करने की जिद है, चाहत है, मेधा है। तो ऐसे बच्चों को हमने अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया, उनको सफलता भी मिली और एक पहचान भी मिली। तो आइकॉन ऑफ भारत भी आपका इसी तरह का कार्यक्रम है जिसमें हम लोग उन बच्चों से, उन युवाओं से मिलने जा रहे हैं जो उनमें प्रतिभा है, अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन गुमनामी के अंधेरे में है। वैसे लोगों को इस मंच पर लाना, उनको सम्मान देना, सिर्फ आप उनका हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि हम लोग उन युवाओं को भी संदेश दे रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं नया। इस शो के चलते, इस शो को देखने के बाद न जाने कितने दर्शक, हमारे देश के युवा साथी कुछ अच्छा जरूर करेंगे, मेरा ऐसा यकीन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बने हैं पार्ट हमारे आइकन्स ऑफ भारत शो के। अ वेरी वार्म वेलकम टू प्रफुल बिलोरे जी। इन्हें कहते हैं MBA चाय वाला। ये MBA करने के लिए तो गए, पर कुछ अलग करने की धुन में इन्होंने खोल दिए अपने टी स्टोर्स। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? नहीं, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच NDTV एंड फ्रीडम। भारत के युवाओं के पास बहुत टैलेंट है, उन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए, उन्हें थोड़ी इज्जत चाहिए, थोड़ा महत्व चाहिए, और 2-5 हज़ार लाख लोग अगर उन्हें और ज़्यादा पहचानेंगे तो उनकी जो गाड़ी है, उनकी खुद की जो गाड़ी आत्मनिर्भरता की, उसमें फ्यूल का काम करेगी वो चीज़। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे मतलब प्राउड फील हो रहा है कि मैं आप सबके बीच में हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल प्रफुल जी, हम भी बहुत इंस्पायर्ड हैं आपसे एंड आई एम श्योर कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को आपकी बातें सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ऐसी लेडी जिनकी बेस्ट सेलर किताब स्टे हंग्री स्टे फुलिश के बारे में कौन नहीं जानता। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे। दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी एक लेखिका होने के तौर पर कि कहानियों में बहुत दम होती है, एक शक्ति होती है। मुझे याद है जब मेरी पहली किताब स्टे हंग्री स्टे फुलिश निकली थी, तो 2-4 दिन बाद एक ईमेल आया, आई रेड योर बुक एंड आई क्विट माई जॉब। मतलब जिन्होंने पढ़ा उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बोले मैं तो बिजनेस ही करूँगा। तो एक तरह से मैं इसका क्रेडिट नहीं लेती हूँ, उनके अंदर एक सोया हुआ सपना था जो जाग उठा। तो कई बार हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी की कहानी बड़ी घिसी पिटी हो गई है, तो आपके पास ऑप्शन है,
आप ये कहानियाँ इस मंच पे सुनेंगे तो आपको प्रेरणा मिल सकती है, आप कलम उठाइए और नया चैप्टर लिखिए। तो इस मंच पे आके जो लोग अपनी कहानियाँ शेयर करेंगे, उन्होंने सब ने ये कदम उठाया है और अब आपकी बारी होगी। बिल्कुल रश्मि जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे आइकन्स ऑफ भारत के मंच की शोभा बढ़ाई। श्रीकांत शास्त्री जी, इन्हें कहा जाता है मेंटर ऑन अ मिशन, क्योंकि ये पैशनेटली मेंटर करते हैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को। और मैं आपको बता दूं कि COVID-19 लॉकडाउन के दौरान इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई और वर्ल्ड क्लास ICU वेंटिलेटर्स बनाए महज 90 दिनों में। इस यूनिक एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया गया बेस्ट सेलिंग बुक जिसका नाम है द वेंटिलेटर प्रोजेक्ट में। तो मैं बहुत ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ श्रीकांत शास्त्री जी का। नमस्कार। तो सर, आप हमारे आइकन्स ऑफ भारत के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के सामने तीन बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी और इस समस्या का हल न सरकार ढूंढ पाएगी न बड़ी कंपनियां। इस समस्या का हल लघु उद्योग चलाने वाले एंटरप्रेन्योर्स वही बदल सकते हैं, क्योंकि वो 5 नौकरियां 10 नौकरियां 20 नौकरियां देकर लाखों की संख्या में रोजगार पैदा करते हैं। ये हमारे असली हीरो हैं। हीरो वो नहीं है जो यूनिकॉर्न बनाते हैं या IPO करते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है, हम ऐसे 50 या 60 हीरोज के साथ मिलजुलेंगे और देखेंगे किस तरह से वो देश बदल रहे हैं। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। नमस्कार। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हैं पार्ट हमारे इस शो का। एंड आई एम श्योर कि इस शो के बाद देश जो है वो जरूर बदलेगा। चलिए, तो अब इस शो के सितारों से आपको मिलवाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हम भारत के कोने कोने से चुन कर लाए हैं। ये हैं हमारे वो आइकन्स ऑफ भारत जिन्होंने हर किसी को इंस्पायर किया है और आज ये आपको करेंगे इंस्पायर। तो चलिए बुलाते हैं हमारे पहले आइकन को, रोहित गुप्ता जी, जो कि माहौली सीतापुर से हैं, यूपी के इवेंट्स के बादशाह कहते हैं इन्हें। ये आपको बताएंगे कि कैसे जीरो कैपिटल से एक सफल इवेंट्स कंपनी बनाई जाती है। तो चलिए मिलते हैं रोहित जी से। मेरा नाम रोहित यज्ञ है और मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है लखनऊ में। और मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पे, कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को हम अपने टारगेट ऑडियंस के तौर पे सर्व कर पाएँ और उनकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी उनको हैक्टिक होती है किसी भी वेडिंग को प्लान करने में, तो हम उसका सॉल्यूशन दे पाएँ। सिंगल विंडो सॉल्यूशंस के साथ में हमने ये कंपनी को रन किया हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो मोटो है बेस्ट प्राइस प्रॉमिस के साथ में हम वर्क करते हैं। 16 USPs के साथ में मैं ये अपने ऐप को लॉन्च करने जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मैं वेडिंग को एग्जीक्यूट करूँगा और साथ में उन लोगों की हेल्प करूँगा जो बिना वेडिंग प्लानर के अपने इवेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। चलिए रोहित जी, आपकी कहानी सुनने के लिए हम सब बहुत उत्सुक हैं, तो बताइए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है महोली, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। मेरा सारा बिजनेस सेटअप है लखनऊ में। और एक ये होता है कि गरीबी का एक जो सपना होता है उसको जब कोई जीता है, उसके बाद की जो जर्नी होती है उसी की कोई स्टोरी सुनना पसंद करता है। ना पिताजी के पास उतना कुछ वो था जब वो छोड़ करके लखनऊ हमें ले करके आए थे, और एक रेडी का काम उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ से। फिर हमारे भी सपोर्ट में हमने कभी वो स्टडी नहीं देखी, कभी हमने पढ़ाई का मतलब नहीं समझा था कि कुछ पढ़ाई भी होती है, कि कुछ कर सकते हैं, क्योंकि काम में इतना ज़्यादा बिजी थे बचपन से ही। काम जब शायद 6 साल का था तब एक चाय की शॉप पे मुझे लगा दिया गया था। अब धीरे धीरे करके जब वो हम लोग लखनऊ आए, लखनऊ शिफ्ट हुए, बहुत सारी चीज़ों को और देखने का मौका मिला। बट मैं प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व करता था, हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाता था। इसी कोशिश ने मुझे आज एंटरप्रेन्योर बना दिया है। और इसमें मैं बात करता हूँ अब अपनी कंपनी के बारे में। इवेंट प्लैनेट नाम से मेरी एक कंपनी है लखनऊ में, जहाँ पर एक अच्छे पॉश इलाके में अभी ऑफिस भी है और एक बड़ा सेटअप भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखा है। पूरे उत्तर प्रदेश को इस समय सर्विस दे रहे हैं।
2016 में जब मैं एक रिलेटिव्स के यहाँ पे एक शादी का कार्यक्रम था और मैं जब उनसे मिला तो उनके पास बहुत सारी अपनी समस्याएं थी। सारा का सारा इवेंट उनसे ले लिया और उसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करके दिया। मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आई, वाकई जिस जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होता है उसका बहुत हार्ड अर्न मनी होता है, तो यहाँ पे मैंने एक समस्या देखी कि उसके लिए बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ की MRP निकालना किसी भी चीज़ का, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री में MRP नहीं होती है। आप 25,000 की चीज़ 50,000 में भी सेल कर देते हो, 75,000 में भी सेल कर देते हो, तो यहाँ पे उसके लिए प्रॉब्लम है कि अच्छा वेंडर कहाँ से चूज़ किया जाए और अच्छी सर्विसेज कहाँ से ली जाए जो उसको वैल्यू फॉर मनी मिल जाए। तो मैंने बस इसी तरीके से अपनी कंपनी को स्टार्ट किया, लोगों को बताया कि आपको इस चीज़ को इतने ही रेट देने हैं, इस बैंड वाले के इतने ही रेट देने हैं, इस कैटिंग वाले को इतना ही करना है, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हैं। तो लोगों ने विश्वास किया कि लो भाई आप खुद ही अब करना स्टार्ट कर दो। तो वहाँ से एक के बाद दो, दो के बाद तीन और 238 वेडिंग के आसपास आज तक हम लोग कर चुके हैं और लगातार कंटिन्यू हिस्सा बने हुए हैं। कहीं ना कहीं अभी भी हमारी भी आज की डेट में भी हमारी टीम काम कर रही है, वेडिंग का सीजन चल रहा है। आपकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, दिल छूने वाली है। मुझे ये बताइए, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाना कोई आसान बात नहीं, हर तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई कस्टमर पैसे नहीं देता है, रात को पंडाल उड़ जाता है आंधी में। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो आपने ओवरनाइट क्राइसिस मैनेजमेंट आपको करना पड़ा। सर एक इवेंट था और उस इवेंट में हमने पहली बार, मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था लोगों के ऊपर, तो वेंडर्स के ऊपर भी भरोसा था नए नए कि हाँ आप काम कर दोगे ऐसा होगा। और वो इवेंट में अब उसका फ़ोन बंद हो गया, उसने कुछ भी टेंट वगैरह नहीं किया, सुबह पार्टी का अरेंजमेंट सारा होना है, पार्टी हेड की एक घंटे पहले कि हम लोग आने वाले हैं, सब कुछ रेडी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। लोगों के साथ जो नेटवर्क था, नेटवर्क ही लोगों को बनाता है, आपका सराउंड आपको बनाता है, जो लोगों के साथ नेटवर्क था मैंने उनको फटाफट फ़ोन करना स्टार्ट किया, एक के बाद एक 10 लोगों को फ़ोन किया, 10 में मुझे कम 4 से 5 लोग ऐसे हेल्पिंग हैंड मिल गए और वहाँ पे इतनी तेजी से काम हुआ, 4 घंटे के अंदर सारा अरेंजमेंट, ट्रक सारे जो भी उसके टेंट का सामान आने लगा, बहुत सुपर क्राइसिस मैनेजमेंट। रोहित जी आप बोल रहे हैं बार बार, तो अच्छा लगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं। कि आप युवाओं को क्या संदेश देंगे, जो युवाओं की पढ़ाई अधूरी रह गई है, आधी रह गई है, उनको क्या संदेश देंगे, किस तरह से अपने आप को स्किल्ड करें, डेवलप करें, आत्मविश्वास जगाएं कि आप जैसा कुछ अच्छा कर पाए। सर जब 10th में 3rd division कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, अगर फेल हो गए हैं, और फेल होना ही सबसे बड़ी आपकी सक्सेस का कारण बन सकता है। अगर आप फेल नहीं हुए तो इसका मतलब आप कुछ नया नहीं ट्राई किए हैं, कुछ नया नहीं किए, आपको करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है उसके लिए पहला स्टेप उठाना है, और वो स्टेप ही हम लोग नहीं उठा पाते हैं। हम में से किसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी आज जमी नहीं है। रोहित मैं एक सवाल ये करना चाह रही हूँ कि अगर कोई पहला कदम लेना चाहे, आपको देख के प्रेरित हो, तो कितने पैसों की ज़रूरत होगी एक छोटा सा इवेंट करने के लिए, मतलब उसमें पैसों की ज़रूरत है भी या सिर्फ दिमाग की ज़रूरत है? देखिए इसमें दिमाग की ज़रूरत है, इसमें नेटवर्क की ज़रूरत है, इसमें आपको केवल विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत है, आपको केवल 100 रुपये की ज़रूरत है। आप एक विजिटिंग कार्ड बनाइए, लोगों के पास जाइए, उनसे कनेक्ट होइए कि सर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, उनको नंबर एक्सचेंज करिए। मेरा ये मानना है कि हर एक डॉट जिंदगी का जो होता है वो हमें एक खूबसूरत तस्वीर के रूप में बाद में दिखती है। अगर ज़िंदगी की तस्वीर को खूबसूरत करना है तो मेरे ख्याल से हर डॉट को बहुत खूबसूरती के साथ जीना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सुनाया और हम लोग भी प्रेरित हुए और तमाम दर्शक भी इससे कुछ न कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी टीम के तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं। और रोहित जी मैं चाहूंगी कि एक बार लखनऊ के स्टाइल में आप मुस्कुरा दे, कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में। बिल्कुल मैम, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है और लखनऊ में हम भी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को सर्व कर रहे हैं और हमारी जो टैग लाइन है वो भी है अच्छी वाली फीलिंग, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इवेंट मैनेजमेंट का मौजूदा वैश्विक बाजार 91,00,000 करोड़ रुपए है। इवेंट मैनेजमेंट उद्योग में औसत मुनाफा 10-20% का। हालांकि शुरुआत में बड़ी रकम की जरूरत नहीं पड़ती, पर PMEGP योजना के तहत कर्ज मिल जाता है। अगर आप भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर रोहित गुप्ता जी आपको सिखाएंगे हमारे कोर्स में कि कैसे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी
शुरू कर सकते हैं। हमारी अगली आइकन है चॉकलेट क्वीन ऑफ बेंगलुरु। जी हाँ, ये कस्टमाइज्ड होममेड चॉकलेट्स बनाती हैं और इनकी चॉकलेट्स कर्नाटका में ही नहीं पूरे देश में मशहूर हैं। चलिए आपको मिलवाती हूँ प्रिया जैन से। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है, मैं बैंगलोर से हूँ और बैंगलोर में ही मेरा एक कस्टमाइज स्किन केयर प्रोडक्ट्स का और चॉकलेट्स का बिजनेस है। धीरे धीरे करके मैंने कस्टमाइज चॉकलेट्स का भी काम शुरू किया और इसमें हम हर ओकेजन के लिए, हर इवेंट के लिए हम अलग से चॉकलेट्स बनाते हैं। इसी तरीके से छोटे स्तर पर शुरू करके हमने अभी आज काफ़ी बड़े ऑर्डर्स भी कर रखे हैं और आज हम अच्छे स्तर पर भी काम कर रहे हैं। जहाँ तक शुरुआत की बात है, हमने सिर्फ 200 रुपये का पहला ऑर्डर लिया था और आज चलते चलते हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। नॉट जस्ट सिर्फ साबुन और चॉकलेट्स ही नहीं, हम पूरा टॉप टू टॉप कस्टमाइज स्किन केयर सॉल्यूशन भी बनाते हैं। स्वागत है प्रिया जी आपका, चलिए सुनाइए आप अपनी संघर्ष की कहानी। मेरा नाम प्रिया है और मैं बैंगलोर से हूँ और मैं हर साल, मेरा एक वो ट्रेडिशन बनाया है घर में कि कुछ एक नया सीखूंगी और वो अपनी ही फैमिली के लिए कुछ नया बनेगा। तो उस साल 2013 की बात है, मैंने चॉकलेट्स बनाना सीखा और शुरुआत कुछ ऐसी थी कि भाई के बर्थडे के लिए बनी थी और टीम थी ऑफिस में तो सभी के लिए चॉकलेट्स ले जाती थी मैं और सभी ने ट्राई किया और वहीं से ये सिलसिला शुरू होता है। मेरे टीम मेंबर ने, उन्होंने कहा कि मुझे एक हैम्पर देना है किसी को, आप कुछ बना के ले आइए मेरे लिए। शुरुआत वहां से हुई, मेरा पहला ऑर्डर था 200 रुपए का, वहां से ये किस्सा शुरू हुआ और इतने अच्छे रिव्यूज मिले उनके फ्रेंड से। गणेश चतुर्थी जो काफ़ी पॉपुलर है साउथ में, वहां पर मुझे पूछा मेरे एक फ्रेंड ने कि क्या तुम चॉकलेट की गणेशा आइडल्स बना सकती हो। वहां से मैंने शुरू किया तो एवरी फेस्टिवल, हर त्यौहार पे, हर मौके के लिए मेरे पास कस्टमाइज डिफरेंट चॉकलेट्स है। तो जैसे गणेश आइडल्स बनती है हमारी, 3-4 साइजेस में बनती है, दिवाली के वक्त क्रैकर शेप की चॉकलेट्स बनती है और ऐसे कर करके, जैसे आपने कहा वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसके लिए मैंने बुके बनाया, कुछ अलग सा चॉकलेट बुकेज बनाए। आप चॉकलेट सबको फ्री में बांट दे दिए तो घाटा होता है कि फायदा होता है बिजनेस में? लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। अभी आप देख लो, कोई भी बड़ी कंपनी को देख लो, सभी प्रोमो कोड्स देते हैं, क्रेडिट्स देते हैं, फ्री राइड्स देते हैं। मैंने सिर्फ फ्री चॉकलेट दी है अब तक और कुछ भी फ्री में नहीं गया है। एंड लॉन्ग टर्म कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। तो जैसे कि मैं बता रही थी, मेरा पहला ऑर्डर 200 रुपए का था एंड इन द फर्स्ट ईयर हमने 10 लाख का टर्नओवर दिखाया था। ओके, तो अभी आजकल कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आप प्रमोशन कीजिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐड दीजिए, तो क्या आपको लगता है उससे सेल आती है या बिना पैसे खर्च किए भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, कस्टमर्स को रीच कर सकते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस? मैंने आज तक एक सिंगल ऐड नहीं दिया है सोशल मीडिया पे। थैंकफुली जैसे आप ट्राई करेंगे, आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे काफ़ी ऐसे सर्कल्स बने हैं जहाँ लोग मुझे रेकमेंड करते हैं, तो प्योरली वर्ड ऑफ माउथ की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। प्रिया, ये तो आपकी चॉकलेट की कहानी हो गई, तो खिला भी दीजिए भैया, आप बातों से थोड़ी कुछ होने वाला है। डेफिनेटली। अच्छा है, बहुत अच्छा स्वाद है, स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। एक्सीलेंट चॉकलेट, बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। भारतीय चॉकलेट उद्योग मौजूदा फिलहाल 13,000 करोड़ रुपए का है। घर में निर्मित चॉकलेट उद्योग का औसत मुनाफा 40-50% के बीच। इस उद्योग के लिए मुद्रा लोन के अलावा नबार्ड, महिला उद्यमियों के लिए महिला सशक्तिकरण योजनाएं और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं मौजूद हैं। कितना आसान है होममेड चॉकलेट्स बनाकर लाखों रुपए कमाना। अगर आप भी ये स्किल सीखना चाहते हैं मेरी ही तरह, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप और प्रिया जैन से सीख सकते हैं ये कोर्स। अब मैं बुलाती हूँ हमारी आज की अगली आइकन ऑफ भारत को। ये मैसूर से हैं।
ये लोगों के घरों को रोशन करती हैं। रोशन ही नहीं करती बल्कि ये लोगों को सिखाती भी हैं कि कैसे कैंडल बनाकर बेची जाती है और उसे एक व्यवसाय में तब्दील किया जा सकता है। चलिए बुलाते हैं हमारी अगली आइकन ऑफ भारत श्री विद्या जी को। मेरा नाम श्री विद्या है, मैं मैसूरू कर्नाटका से हूँ। 2014 में मैंने अपना खुद का ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट कंपनी स्टार्ट किया था और ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट कंपनी में बहुत सारा आउटबाउंड लर्निंग आउटबाउंड ट्रेनिंग्स होता है और हर आउटबाउंड ट्रेनिंग में जो भी क्लाइंट्स आते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको हम एक गुडी बैग या गिफ्ट बैग देते हैं हमेशा। एक अच्छे एरोमेटिक कैंडल बना के उसे अच्छे से पैक करके मैंने उन लोगों को गिफ्ट दिया और जिस तरीके से वो उतने अच्छे से बने थे, उस खुशी में हमने ये सब पिक्चर्स लेके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और सारे जगह में पोस्ट किया था। सो वहाँ से शुरू किया और आज मैं 4 कंट्रीज़ को कैंडल्स एक्सपोर्ट करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी कैंडल की कहानी हम लोग सबको सुना के बताइए। नमस्ते, मैं हूँ श्री विद्या, मैसूरु कर्नाटका से हूँ। 2008 में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद कुछ साल अलग अलग कंपनीज में अलग अलग रोल्स में काम किया है मैंने। 2017 की बात है, अक्टूबर का महीना था, दिवाली वॉज फास्ट अप्रोचिंग और उस समय मुझे अपने एक बड़े से ट्रेनिंग के टीम को एक कुछ दिवाली का तरह का फेस्टिवल जैसा कुछ गिफ्ट देना था। उस टाइम मैं जो अपार्टमेंट में रह रही थी वहाँ पर कुछ ऐसे औरतें थी जिनका काम सुबह 9:30 बजे तक ख़त्म हो जाता था। उनके बच्चे और पति स्कूल और ऑफिस चले जाते थे, उसके बाद उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं था। सो उनके साथ मैंने बैठकर थोड़ा कैंडल्स, फेस्टिव डिज़ाइन के कैंडल्स बनाए और ये जो मैंने कैंडल्स बनाए, इतना बड़ा बैच था तो सबको जब मैंने ये कैंडल्स गिफ्ट के रूप में दिया तो उनको इतना पसंद आया था कि सब लोग ने फिर से ऑर्डर देकर फिर से हमसे ख़रीदा और इस खुशी में हमने उस कैंडल्स के पिक्चर्स खींचे थे और फेसबुक में डाला था तो हमें दोस्तों ने और कुछ और लोगों ने ऑर्डर्स दिया और 2-3 हफ्तों में हमने 2000 से भी कैंडल्स ज़्यादा बेचा था। सो आप बाय क्वालिफिकेशन एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो साइंटिफिक नॉलेज क्या आपने यूज किया कैंडल बनाने में? जी हाँ, मैंने क्या किया, कुछ एरोमेटिक ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया। ये कैंडल्स माइग्रेन के लिए यूज कर सकते हैं, अगर आपको इंसोमनिया है, नींद नहीं आती है तो ये कैंडल जलाकर अच्छे से सो जाते हैं और मस्किटो रिपेलेंट कैंडल्स है। और आज चाइनीज मार्केट हावी है, आप एक छोटी कंपनी है या छोटा लघु उद्योग है, तो आप उससे कैसे सरवाइव करते हैं? आप में क्या पॉजिटिविटी है, आपके कामों में क्या दम है कि उससे आप सरवाइव करने का सपना देखती है? मेरा स्पेशलिटी ये है कि ये जो मैंने थीम बेस्ड कैंडल्स बनाया, जैसे है कुछ कॉफ़ी कैंडल है, एंटी एडिक्शन के लिए यूज़ होता है, स्पाइस कैंडल है, जैसे आपने बारिश में भीग के सर भारी हो रहा है, नोज ब्लॉक्स है, तो ये स्पाइस वाला कैंडल यूज़ करके वो थेरेप्यूटिक वाला जो इफेक्ट्स है वो मास कैंडल मैन्युफैक्चरर्स नहीं बना पाते हैं। जो श्री विद्या आपने वुमेन एंटरप्रेन्योर होने का जो एक जिक्र किया तो मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लेडीज के दिमाग में ये सवाल आता है, 3 साल का बच्चा है आपके घर पे तो आप साथ में बिजनेस भी चला रही हूँ और एक एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो दोनों कैसे मैनेज करती हैं, टाइम कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि कई लेडीज़ को ये दुविधा होती है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, तो इस डर से वो शुरू ही नहीं करती। होम बेस्ड इंडस्ट्री का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एडवांटेज यही है क्योंकि और स्पेशली ये क्रिएटिविटी और पेंटिंग और एरोमा इसके रिलेटेड से है मेरा काम, तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ जुड़ जाता है। अगर कभी कभी अब सुबह कोई उठ जाने के बाद, उसका खाना पीना हो जाने के बाद अगर कोई पूछता है कि चलो खेलने के लिए चलते हैं तो वो मुझे बुलाता है, अम्मा चलो कैंडल में कैंडल करने के लिए। आके बता पाएंगे आपका एक प्रोडक्ट? सब मैंने रिसर्च और ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सब फ्रीडम ऐप में जो मैंने कोर्स किया है उसके बाद उसे देख के बहुत से लोग आकर मुझसे सीख के गए हैं और उनमें से 4 लोग उनके खुद के कंपनी अभी
करके वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपके संघर्ष और अनुभव का फायदा लोगों को मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोमबत्ती उत्पाद का मौजूदा वैश्विक उद्योग 65,000 करोड़ रुपए का है। मोमबत्ती बनाने में औसत मुनाफा 40-50% के बीच। मोमबत्ती बनाने के उद्योग के लिए मुद्रा लोन और दूसरी कर्ज योजनाएं मिलती हैं। चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे अगले आइकन से। इनका नाम है सौरभ त्रिपाठी, लखनऊ के मशहूर हॉर्टिकल्चरिस्ट। पर मशहूर होने से पहले घर वाले इनके बारे में कहते थे, ओफो इंजीनियर माली बन गया। लेकिन कभी कभी माली बनना भी बहुत फायदेमंद होता है भाई। जो माली फूलों को उगाकर लोगों को खुशबू दे सकता है, वही माली जो है फूलों का बिजनेस करके बहुत सारे लोगों को आजीविका प्रदान कर सकता है। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ सौरभ त्रिपाठी से। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, मैं लखनऊ से हूँ। बात सन 2007 की है। पेड़ पौधों से लगाव तो पहले से ही था, तो माली भी घर पर लगा हुआ था। एक दिन माली ने मुझसे कहा कि भैया प्लॉट हैं आपके, क्यों ना आप कुछ पैसे लगा दिए या मेरे साथ इस नर्सरी व्यवसाय को एक बार कर लीजिए। ऐसी माइंड में ही आया कि प्लॉट खाली पड़े हैं तो क्यों ना जो हॉबी है बचपन की उसी में कुछ एक बार ट्राई करके देखा जाए। मुझे उसी टाइम कुछ दोस्त थे मेरे सहारा में, उन्होंने मुझे कहा कि सहारा हॉर्टिकल्चर का काम बहुत कराती है, एक बार आके वहाँ पर ट्राई करो। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो वो लोग खुद ही हैरान थे कि एक प्रोफेशनल टेक्निकल बंदा इस फील्ड में कैसे है। उन्होंने मुझे खुद एक पुशअप किया कि एक आप प्रोफेशनल हैं, आपको बहुत आसानी से इस काम को फिर आगे से ले जा सकते हैं। मैंने ट्राई किया और धीरे धीरे नॉलेज गेन करते हुए इस काम को आगे बढ़ाया। मुझे लगा कि बहुत स्कोप इस काम के, और इसी करते हुए आज काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जो टेरेस गार्डनिंग में बिजनेस भी कर पा रहे हैं। स्वागत सौरभ जी आपका। और इंजीनियरिंग से ये पेड़ पौधों के बिजनेस का सफर बहुत रोमांचक लग रहा है, कैसे आपने ये सब किया हमें जरा बताएं। मैम 2007 में बीटेक थर्ड ईयर था मेरा। पेड़ पौधों शौक बचपन से ही था, बागवानी घर पर कर ही रहे थे। तो एक माली लगाया हुआ था घर पर शौक के तौर पर। उसने एक दिन ऐसे ही प्लान रखा कि भाई एक प्लॉट आपका खाली पड़ा है तो क्यों ना आप कुछ पैसे लगा दिए, साथ में ये नर्सरी बिजनेस कर लीजिए। शौक के तौर पर एक छोटी सी नर्सरी डाल दी थी, कुछ आइडिया नहीं था उस बिज़नेस के बारे में कि उसे कोई बिजनेस बनाएंगे। ऐसी बस कुछ दोस्त थे मेरे सहारा में, उन्होंने मुझसे कहा कि यार सहारा हॉर्टिकल्चर का काम बहुत कराती है, एक बार वहाँ जाके ट्राई कर, तुम्हारी नर्सरी तो है ही। लेकिन मैंने उस टाइम नर्सरी को सीरियसली नहीं लिया था। मैं बस सहारा गया, एक कार्ड छपवा लिया था विजिटिंग कार्ड, उस पर सौरभ त्रिपाठी बीटेक मैकेनिकल लिखवा लिया था। बस मैंने सहारा में पहुँचा दिया। वो बहुत इंप्रेस हुआ वो लोग कि यार बीटेक मैकेनिकल बनता है इस फील्ड में कैसे। तो उन्हीं लोगों ने मेरे को पुशअप किया कि यार आज तक इस फील्ड में कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है, जितने लोग हैं वो अनएजुकेटेड पीपल ही लोग हैं इस फील्ड में। मैं उनके कहने पे लगभग आधा इंडिया मैंने घूमा, तब माइंड में आया कि यार बहुत कुछ है इस फील्ड में करने के लिए। तो अभी घर परिवार वाले रिश्तेदार ऐसा क्या बोलते हैं, माली बोलते हैं कुछ अच्छी इज्जत से कुछ? अब तो सब मतलब अप्रिसिएट करते हैं, लेकिन उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था ये डिसीजन लेना कि यार मैं नौकरी ना करके इस लाइन को चुनूं। आपके लाइफ में अगर क्राइसिस नहीं आती तो क्या आप इस रास्ते पर जाते? सर मुश्किल था शायद ही, ऐसा कभी सोचा नहीं था। जरूरी है आप कंफर्टेबल लाइफ जीते उसके बाद? बिल्कुल सर, अब बहुत सुकून भरी लाइफ है। बहुत सुकून मिलता है जब मैं अपनी नर्सरी आता हूँ, थोड़ी देर के लिए भी बैठता हूँ, प्राइस आती है। ये तो बहुत मतलब सुकून वाली बात हो गई, लेकिन पैसे कहाँ से बनते ये मुझे अभी क्लियर नहीं। मैं डिफरेंट वैराइटीज लोगों को देने की कोशिश कर रहा था, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे थे कि इनका कुछ नया मिलेगा, इन्हीं का मिल सकता है बस नया। आप मान लीजिए लखनऊ के मैक्सिमम डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं इंग्लिश एक्जोटिक वेजिटेबल्स को लेकर। ये लोग फॉरेन से बताते कि सीड मंगवा रहे हैं, यहाँ से मंगवा रहे हैं। अच्छा। तो मैंने भी कोशिश की, मैंने वो सीड्स बाहर से मंगवाए, नर्सरी पे ग्रो करना शुरू किया। और आज की डेट में मैम ये है कि
जितनी भी टाइप की एग्जोटिक वेजिटेबल्स होती हैं, जितने भी टाइप के एग्जोटिक फ्लावर्स होते हैं, नर्सरी में मैं खुद ग्रो करता हूँ। और हम घर पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसानी से। ये मैंने करके दिखाया, नर्सरी पे एक सेटअप मैंने तैयार किया। शादी हो गई आपकी? हाँ सर, 2014। चलिए अच्छी बात है, यानी कि आप लीक से अलग हट के भी काम करें तो आपकी अच्छी शादी हो सकती है। आप घबराइए मत, ये भी दर्शकों को एक संदेश है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सौरभ जी आपको, आप आगे बढ़िए। और आपकी तो शादी भी हो गई, तो अब तो कोई चिंता नहीं आती, दो कदम हो जाएगा, मुसीबतें खत्म हो जाएगी। नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। मौजूदा भारतीय बागवानी उद्योग 28,000 करोड़ रुपए का है। बागवानी में औसतन करीब 45% का मुनाफा। बागवानी उद्योग के लिए कई रियायतें मिलती हैं। कारोबार शुरू करने के लिए नाबार्ड योजनाएं भी हैं। हमारी अगली आइकन ऑफ भारत, जिनका नाम है नवनीत कौर, वो दिल्ली में चलाती हैं अपना खुद का फैशन एक्सेसरीज का स्टोर, जहां पर मेन और विमेन दोनों के लिए बहुत ही उम्दा और एकदम अलग किस्म की फैशन एक्सेसरीज मिलती हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं नवनीत कौर जी से। मेरा नाम नवनीत है, मैं 32 साल की हूँ और दिल्ली में पिछले 11 सालों से फैशन एक्सेसरीज का बिजनेस कर रही हूँ। मैंने बहुत छोटी सी शुरुआत करी, मास कम्युनिकेशन के लिए पढ़ाई कर रही थी और साइड बाय साइड एंकरिंग करती थी। तो ब्रोचेस पहनते हुए मेरे फ्रेंड्स ने देखा मैं ब्रोचेस पहनती हूँ, और धीरे धीरे मैंने उनको बेचना शुरू कर दिया। और आज मेरे बिजनेस के अंदर फैशन एक्सेसरीज हैं, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, पेट्स के लिए, और अभी हम बहुत सारे बड़े नामों के साथ काम करते हैं, फैशन शोज़ में अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए, शोज़ के लिए, फ़ोटोशूट्स के लिए, और अगर आपका कोई स्पेशल ओकेजन हो उसके लिए भी। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत। हम लोग सब चाहते हैं कि आप अपनी कहानी हमें बताएं। थैंक यू सर। मेरा नाम नवनीत कौर है और पिछले 11 सालों से दिल्ली में पिन्स एंड बोज नाम से फैशन एक्सेसरीज का बिजनेस चला रही हूँ। मेरी शुरुआत बहुत ही छोटी थी, मैंने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, इंग्लिश में मास्टर्स किया, क्योंकि मैं हमेशा से एक एंकर बनना चाहती थी, और एंकर बनी भी, मैंने कुछ शोज़ भी किए, पर मेरी एंकरिंग के साथ साथ कुछ और था जो कंटिन्यूसली नोटिस हो रहा था, और वो था जो छोटे छोटे ब्रोचेस मैं खुद बना करके पहनती थी, वो धीरे धीरे सब लोगों को पसंद आने लगे थे। तो मैंने सोचा इनफ ऑफ चैरिटी, मैं सबको उतार के दे देती थी, एंड देन आई थॉट कि मुझे इसे कुछ आगे लेके जाना चाहिए। पिन्स एंड बोज की पहली शॉप थी दिवाली में आया हुआ एक क्रॉकरी का डब्बा, जिसके ऊपर हमने पेंट किया और उसके अंदर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को रख के अपनी गाड़ी में रख लिया, और जो भी कोई पूछता था आपने जो ब्रोच पहना है, तो हम उसे वो दिखाते थे और हमने वो देना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते काफ़ी सालों से अब मैं यही काम कर रही हूँ। आई नेवर वेंट बैक इन टू एंकरिंग, और बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप ऐसे एकदम से अपना प्रोफेशन शिफ्ट कर लेते हैं। लहरों के सुकून में भी मजा है, लेकिन तूफानों में से कश्ती निकालने का तो मजा ही कुछ और है। बिल्कुल, ये तो शायर निकली भैया, ये तो शायर निकले। एंकर शायर एक्सेसरीज। यस, और ये शायरी करना और अच्छा किसी से बात कर पाना मार्केटिंग भी कहलाता है, और इसी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से बेच पाते हैं। तो नवनीत, एक कोई ऐसा किस्सा बताइए जब आपको हेल्प मिली एक क्रूशियल पॉइंट पे, जब कुछ बिगड़ रहा हो या आपको कोई तकलीफ थी, तो आपको किसने हेल्प दी? ऐसा मेजरली मेरे साथ दो बार हुआ है। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैन पावर नहीं था, उस समय में मेरी फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प करी, जबकि सभी वर्किंग थे, मेरी मदर वर्किंग थी, फादर वर्किंग थे, पर वो मेरे साथ इवन मेरे स्टॉल में बैठ के एक्सेसरी बना के फटाफट, अगर शॉर्ट हो जाता था फटाफट बना के देते थे। और आज भी मेरे जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो याद करते हैं कि आपके पापा भी बना के दिया करते थे। लेकिन क्या कभी जीवन में ऐसा आया कि आपने सोचा कि अच्छा मेरा ये दोस्त है, मेरे परिचित, उससे हेल्प ले, और आपको निराशा हुई, और वो ऐसी परिस्थिति में आपने क्या किया?
ऐसा यूजुअली सर तब होता है जब एक वुमन एंटरप्रेन्योर को देख के लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा से आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट, आई वॉन्ट माई प्रोडक्ट टू स्टैंड आउट, तो मैंने कभी भी अपने आप को हल्के में नहीं लिया, और जब मैं अपने आप को हल्के में नहीं लूंगी तो सामने वाले की मजा ली नहीं की वो मुझे हल्के में। बहुत सुना कि आप मेंस एक्सेसरीज भी बनाती हैं, थोड़ा प्रफुल जी और आनंद जी को थोड़ा सजा के हमें दिखा दीजिए किस तरह के मेंस एक्सेसरीज। जी सर, डेफिनेटली मैं ऐसा कर सकती अगर मेरे पास अभी सारा सामान होता, लेकिन बोट आईज, पॉकेट स्क्वायर्स, कफलिंग्स, ये हो गए आपके डैपर मैन एसेंशियल्स, है ना, जो कि आपको एक हम सनग्लासेस भी बनाते हैं, और मेरे पास वो भी क्लाइंट्स हैं जो ब्लिंग ब्लिंग बिल्कुल अलग तरीके से सजना चाहते हैं, पंजाबी म्यूजिक वीडियोस हम बहुत सारे करते हैं, हाँ रणवीर सिंह और बी प्राक और मिलिंद गाबा, इनके लिए मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। तो आप सब यही बनाते हैं कि चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं कुछ? अब हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, पहले हम सिर्फ बना रहे थे, लेकिन आज भी हमारी यूएसपी है कि हम कस्टमाइज पर्सनलाइज करते हैं, और जैसा आपको चाहिए जिस ओकेजन के लिए जिन कपड़ों के साथ वैसा बना के देंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे, थैंक यू मैम, आप सबकी विशेष साथ में, आप ग्लोबल ब्रांड बनाइए, हम सब आपके साथ हैं, आपके कस्टमर्स रहेंगे, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जो लोग इस शो को देख रहे हैं, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, बट मोस्टली स्टार्ट, बिकॉज टू बिगिन यू नीड टू बिगिन। बहुत सही एडवाइस, हर बड़े चीजों की शुरुआत बहुत छोटे से ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नवनीत कौर ने हमें ये सिखाया कि किस तरह से आप एक क्रिएटिव बिजनेस शुरू कर भी अपने लिए एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी उनसे सीखना चाहते हैं तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप, वहां पे वो होंगी आपकी मेंटर यानी कि गुरु। मौजूदा भारतीय फैशन बाजार 70,000 करोड़ रुपए का है। फैशन के कारोबार में औसतन 25-30% का मुनाफा। फैशन एक्सेसरीज कारोबार के लिए समर्थ योजना, मुद्रा लोन और अन्य महिला सशक्तिकरण योजनाएं उपलब्ध। इन्हें एक बहुत ही जरूरी निर्णय लेना है, इन्हें चुनना है कि कौन होंगे इस एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन। जब तक ये डिसीजन लेते हैं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 5 में से केवल एक व्यक्ति स्किल्ड यानी कि किसी ना किसी काम में कौशल पाया गया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में केवल 21.2% लोग स्किल्ड हैं, जबकि जापान में उनकी लेबर फोर्स में 99.9% लोग स्किल्ड पाए गए हैं। फ्रीडम ऐप और NDTV इंडिया का भी यही मानना है कि भारत की जनता जितनी ज्यादा कुशल बनेगी उतनी ही जल्दी आर्थिक रूप से आजाद होगी, मजबूत होगी। क्या आप निर्णय ले पाए हैं कि कौन होंगे श्रेष्ठ? यस यस, हम लोगों ने विचार किया, विमर्श किया, और हम एक जो आपका श्रेष्ठ है आइकन्स ऑफ भारत निष्कर्ष पर निकल गए हैं, जिसको रश्मि जी बताएंगे भैया, उनके मुखाग्रे से आप सुनेंगे कि कौन जीता है। नहीं तो मैं अब आप सभी से दरख्वास्त करूंगी कि कृपया आप इस मंच पे आएं। चलिए अब बुला लेते हैं हमारे आइकन्स ऑफ भारत को भी। चलिए रश्मि जी से जानते हैं कौन है इस एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन। आज आप सबकी कहानियां बहुत प्रेरणादायक थी और संघर्षपूर्ण भी, लेकिन एक व्यक्ति की कहानी ने हमें थोड़ा ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि वो बहुत मामूली घर के थे और कम समय में काफ़ी बड़ा बिजनेस बनाया है जिससे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज के श्रेष्ठ आइकॉन हैं रोहित गुप्ता। बहुत बहुत मुबारक हो रोहित गुप्ता जी, आप हैं श्रेष्ठ आइकन। रोहित जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आशा करती हूं कि आप और भी बहुत सारे भारतीयों को इंस्पायर करेंगे।
तो दर्शकों, रोहित गुप्ता हैं इस एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन, लेकिन हमारे बाकी के जो आइकन्स ऑफ भारत हैं, उन्हें भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी कहानियों से हमें प्रोत्साहन दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे फ्रीडम एम्बेसडर उन्हें प्रोवाइड करें एक मोमेंटो, एक मीठी सी याद इस शो की। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुपर 30 में आना है। ये तो सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप भी वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट आइकन ऑफ भारत के लिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट करके हमें बताइए कि कौन है आपके हिसाब से श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। तो आप भी फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और कम से कम एक ऐसा कोर्स कीजिए जिससे आप अपना खुद का कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकें और दूसरों को भी आजीविका प्रदान कर सकें। आप ही हैं जो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। दर्शकों, ये था हमारा पहला एपिसोड ऑफ आइकन्स ऑफ भारत। हम आपसे फिर से मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में नए आइकन्स ऑफ भारत लेकर। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए, लेती हूँ आपसे विदा। दिस इज योर होस्ट सुगन शर्मा, साइनिंग ऑफ।